नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। केदार कश्यप ने जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मिलने में भेदभाव का आरोप लगाया है। बघेल सरकार पर यह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बीजेपी नेता दौरे के लिए जाते हैं तो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती, आरोपी भी नहीं रहती। वहीं कांग्रेस नेताओं को पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाती है। वहीं इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है, आरोपी सीआरपीएफ का विषय है, भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से भेदभाव कार्रवाई कर रही है और जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे जिला पंचायत या फिर हमारे जो अलग अलग कैटेगरी के जो नेता हैं, मतलब उसमें जो सुरक्षा दी गई है, उनके सुरक्षा को कम किया जा रहा है। उनको जिस तरीके से यदि गाँव में जाते हैं तो उनके लिए आरोपी वगैरह नहीं लगाया जाता है, तो उसके लिए लगातार मांग की जाती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कोई भी जनप्रतिनिधि हो तो उनके लिए आरोपी और वो खुलेआम वहाँ पर घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। कांग्रेस ने ये व्यवस्था किया है, भारतीय जनता पार्टी थी तो हमारी सरकार ने सुरक्षा को पहले महत्वपूर्ण दिया था, पार्टी को नहीं या व्यक्ति को नहीं। भेदभाव नहीं है। और दूसरी बात है सुरक्षा, जो रोड ओपनिंग पार्टी है वो तो सीआरपीएफ देती है, तो उसी के अंडर में है, और इनको तो छत्तीसगढ़ पुलिस पर विश्वास नहीं, क्योंकि उनके जो हेड आए हैं उनको जो यहाँ स्थानीय पुलिस दिया गया था उसको हटा लिया है। अब सीआरपीएफ उसकी सुरक्षा करेंगे।